तो भाई इस मैच में हमारे साथ खेल रहे थे आतिश, आशु और बाप आया। और ये आशु और बाप आया नई आईडी से खेल रहे थे, इसका मतलब समझे अभिजीत भट्टाचार्य, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ भाई, सब लोग अंड बंड उतार रहे थे तो हम इधर उतार आए और हमने भी कुछ नहीं बोला। हम कहे पहले देख लें ये बाप आया कुछ गड़बड़ किए हैं कि नहीं। तब तक भाई साहब पहला विकेट ले लिए, फिर दूसरा विकेट भी ले लिए, फिर तीसरा विकेट भी ले लिए। इसका मतलब समझे भाई आप लोग? इसका मतलब ये भाई कि बाप आया अपनी बंदूक में कायम चून लगा के खेल रहे हैं। हेलो चार नंबर बोल दो। हेलो चार नंबर बोलो बोलो। अरे यार एक बात पूछनी थी मुझको। बोलो तो यार, तुम बचपन से ही चूतिया हो या अभी हुए हो? तुम कहाँ से? यार ऐसी जगह कोई उतारता यार, गन भी ना मिली, अभी बताओ यार। मैं कहाँ उतरू, उधर उतर जाओ ना पहले। अरे मैं उधर से यार भाग के इधर तक आ गया, अब भी गन ना मिली है मुझे यार। अपार्टमेंट तक आ गया हूँ तब भी गन ना मिली है। कचर 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 कचर, सारे बंदे इधर उधर भाग गए, इसी वजह से भाग गए यार। मुझे बहुत अफसोस है यार। हेलो भाई, मुझे लग रहा है ना ये चार नंबर की कोई चाल है, वो चाहता था कि तुम्हें गन ना मिले और तुम चिकन ना कर पाओ। ना यार क्या कर दिया मेरे साथ यार, अब भी गन ना मिली है यार। पूरा अपार्टमेंट छान मारा मैंने, अब भी गन ना मिली। अब भाई इधर अरमान जी अलग रो रहे थे, ऊपर से गाड़ी में भी नहीं बैठ रहे थे। उधर बाप आया सबको मार मार के बहन छाया जी के पास भेजने में लगा था। भाई तीन नंबर तो मुझे हैकर लग रहा है। तीन नंबर हम लोग को कुछ मारने उन्ने दोगे कि सब तुम ही मार डालोगे? तीन नंबर में एफसीडी मार दूं क्या गेम से भाई? अब ये भाई साहब तो कुछ बोल भी नहीं रहे थे। अब भाई इनको बंदे मारने की इतनी जल्दी थी कि चलती हुई गाड़ी से कूद गए, नॉक हो गए, लगे भाई साहब चिल्लाने फापा पनवी फापा पनवी। हम कहे घेवड़ा। कौन गोली चला रहा है भाई, कौन गोली चला रहा है, कौन है घर में? तब भाई साहब अब गोली नहीं चला रहे हैं, हम कह रुको बम्मी से उड़ा डालेंगे। अबे ये तो दरवाजा ही बंद कर लिया है, कपड़े उपड़े बदल रहा है क्या? अब भाई साहब ये बदल लेते कपड़े, खोपड़ी पे ऐसा बम पड़ा कि भाई साहब तौलिया ही खुल गई। पालक बाबा जिंदाबाद। दरवाजा बंद किए थे ना बच्चू हमको देख के। अब भाई मैं इनके पिछवाड़े पे इतनी गोली मारूंगा कि भाई साहब कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑक्सीजन कहाँ से ले और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से छोड़े। हेल्प। अरे तीन नंबर तुम नॉक हो क्या भाई? अरे यार हम लोग को तो पता ही नहीं चला। अरे भाई जल्दी चलो, लगता है तीन नंबर को कोई दूसरे हैकर ने ठेल दिया। अरे तुम नहीं पहुंच पाओगे यार, यार तुम गाड़ी में घूम रहे हो, जाना चाहिए। कचर 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 कचर। अब भाई कोई लड़की होती तो एक बार हम सोचते भी, एक तो ये लड़के हैं ऊपर से हैकर हैं, ठेंगा बचाएंगे इनको हम। अब भाई ये लोग तो गाड़ी में बैठ नहीं रहे थे और आगे कोई AWM चला रहा था। हम कहे देखे भैया कौन है। हाँ एकदम से एग्जिट का बटन दब गया चालू गाड़ी। अरे भाई हैकर भैया मार दिया। और बताओ देख रहे हो भाई ये तो हैकर है। अरे हैकर नहीं है, वो एमबॉट के फाइल लगा रखी है। देख लो भाई कह रहे हैं एमबॉट हैक नहीं होता है। ये तो वही बात हो गई कि अंडा वेज होता है या नॉन वेज होता है। तब तक भाई पूरी जादूगरों की स्क्वाड आ गई। हम कहीं यहीं छुपे रहो भैया, कोई देख ना पाए। शरद, अरे ओ शरदवा, अरे बाहर निकल, देख हम तुमका लेने आए हैं। भाई जब मेरा एग्जाम होता था तो मैं सोचता था पैड पे लिख लेता हूँ, एग्जाम में चीटिंग कर लूंगा, लेकिन फिर मन नहीं मानता था। और ये लोग तो गेम में भी चीटिंग कर रहे हैं, कैसे इन लोग का मन मान जा रहा है? मैं होता तो दुनिया को कभी मुंह ही नहीं दिखा पाता। अब भाई यहाँ तो उतरते ही गुम्मे की भाई भाई आवाज आने लग गई। हम क्या जो होगा देखा जाएगा, आक्रमण। RSK लव, ओ माई गॉड, लगता है भाई साहब का इलू इलू बहुत जोरों शोरों पे है। वो गुम्मा वाला कहाँ है भैया? अरे सरऊ जी कितना लूटेंगे भैया, लाइए अब गुम्मा हमें दे दीजिए। तो देख रहे गुम्मा तो है ही नहीं। अब भाई नीचे चल रही थी लड़ाई, हम कहे यही सही मौका है, चलो चल के चौका मार दिया जाए।
अरे भाई ये भी गुम्मे वाला नहीं था, तो गुम्मे वाला कौन है? कहाँ है बे? अबे गुम्मे वाले कहाँ चला गया? अरे कहाँ चला गया बे? तब तक भाई ऊपर से किसी के बैंडेज मारने की आवाज आती है। चर्र पर्र चर्र पर्र, हेलो मिस्टर चर्र पर्र, क्या हाल है? चलो भैया आप जरा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करो, दिखाओ अपनी शक्ति, दिखाओ दिखाओ। अरे भैया ये गोली कौन चला रहा है? अब भाई कहीं देखने और दिखाने के चक्कर में कहीं हम ऊपर ही ना टपक जाए, हम कहीं छोड़ू भैया। अब भाई हम लूट ही रहे थे, तभी अचानक एक ठो बम फटा। कहूँ ना भैया, तो देख रहे भाई ये तो पूरी स्क्वाड है, ये लोग यहाँ क्या तंबू उम्बू निकालने आए हैं क्या? कहाँ से आ रहे घूम के? हम क्या रुको बम ही फेंक दे इन लोग के ऊपर। अरे बागड़ी के बोस भाग, बागड़ी के बोस भाग, साबुन की शक्ल में। ज्यादा ही ये लोग दिमाग लगा रहे थे, रास्ते में बिछा दिए लैंड माइंस। अरे बेटा अभी तुमको बताते हैं, भम भम एक्समैन तुम्हारा खेल खत्म। यहीं आसपास एक्स वुमनिया भी तो थी, वो कहाँ चली गई? अरे ए वुमनिया, ओ ओ वुमनिया, क्या भाई यहाँ बैठ के क्या अंडा दे रहे हो क्या? ये तो वुमनिया नहीं लग रही है, वुमनिया कहाँ गई? तो ऊपर से बम फेंकने में लगी थी। अरे वुमनिया आ रहे, अरे ए वुमनिया, ओ ओ वुमनिया, ए वुमनिया। हो पारा पोपा परापो। तो भाई एक भैया क्या कह रहे हैं, भाई आपका वीडियो देखते देखते 12th का पेपर आ गया, मुझे कुछ याद ही नहीं है, लिखे क्या घंटा। अच्छा बच्चों मेरी वीडियो देख के तुम्हारा टाइम ही बीत गया, तो मेरी वीडियो तो खाली 10-12 मिनट की होती है ना, तो बाकी के तुम 23 घंटे 50 मिनट क्या करते थे? मच्छर मारते थे। अब भाई एक गाड़ी का हम पीछा कर रहे थे, तब तक देख रहे इनका तो पेट्रोल लग रहा था खत्म हो गया, हम क्या प्रसाद दे दे जरा इनको। भम 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 भम, ईगल डार्लिंग कहाँ है आपकी सहेली मोना डार्लिंग? चॉकलेट डे मनाने गई है क्या? डिरी डिरी रे ए हुर्र। अरे कहाँ तेजी में है इतने भैया, ये हमको देख ही नहीं रहे, किसी से मिलने उलने जा रहे हैं क्या? क्या भाई पिक्चर उच्चर देखने का मूड है क्या? रुको रुको पीछा करो इनका। अब भाई ये पांडू तो हमको एक नंबर का चिरांडू लग रहा था, गाड़ी रोक ही नहीं रहा है, ये गेम खेलने आया है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आया? अब भाई इसको दौड़ाने के चक्कर में मेरी गाड़ी का पेट्रोल ही खत्म हो गया। अरे इंग्लिश माँ बोले अंकल, गुजराती माँ बोले काका, ये सब का हो रहा है, सामी नामी ना वाका वाका भाई, भाई, भाई। ऐसी जगह पे पेट्रोल खत्म हुआ है कि दूर दूर तक एको पेट्रोल पंपो नहीं है, और ये अलग खट्टपट्ट कर रहे हैं। भाग, अरे गाड़ी से उतर जाइए महाराज, कि आपके लिए रेड कारपेट बिछवाना पड़ेगा, गाड़ी से नीचे पैरे नहीं रख रहे हैं, बस मार मार के गाड़ी फोड़ डाला। हम तो पैदल चलेंगे सनम, तुम्हारी भी गाड़ी का टायर पंचर कर देंगे, तुमको भी पैदल चलवाएंगे। तो भाई इसी बात पे एक शायरी हो जाए कि मजनू को लैला का कॉल नहीं आया, मजनू ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मजनू मरने वाला था लैला के प्यार में, और लैला बैठी थी जियो फ्री हो जाने के इंतजार में। बोलो भाई 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 भाई, चाय 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 चाय। अब भाई इनको तो ऐसा गुम्मा मारा कि ये भाई साहब तो एकदम हिल ही गए। अब भाई इनके दोस्त आ रहे थे, ज्यादा ही भाई साहब को खुजली थी, हम कह रुको बम फेंके, तो ये तो एकदम हमको दौड़ा ही लिया। अरे भगवत प्रसाद जी, हमको मार के गेट का एग्जाम देने जाना है क्या? बहुत जल्दी में लग रहे हैं भाई साहब। अब भाई इनको कहीं लेट ना हो जाए एग्जाम देने में, हम क्या एक काम करते हैं, इनको जरा टेम्पो में बैठा दिया जाए। भम भम भम, अच्छा अच्छा। तो भाई एक भैया कह रहे कार्टून, आज प्रपोज डे है और मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ। वो तो बोलो अच्छा हुआ भाई खाली प्रपोज डे होता है, अगर मैरिज डे होता तो कहते कार्टून मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है इसलिए मैं आपसे मैरिज कर रहा हूँ। कहानी बदिया रहा है तू। भ
भम 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 हम पूरा लूट के आ गए भाई साहब को अभी तक हेमलेट ही नहीं मिला है। इतनी देर से क्या कर रहे थे बोरा जी आप? ठंडी के कपड़े बोरे में भर रहे थे क्या? भाई एक बंदा और आया लेकिन ये भाई साहब हमको ढूंढते ढूंढते उधर मकान में चले गए। मेरे पास एक ही हेल्थ किट थी, हम कहे तब तक बैंडेज लगाएंगे, तुम ढूंढते रहो भाई, जब थक जाना तो इधर आ जाना। ओके भाई साहब को पता चल गया, आ रहे भैया आ रहे। कहाँ थे भैया? तो अरे भैया भाई साहब 1 HP से बच गए, इसके पास भी गुम्मत था। हम कहे अंदर भागो इससे पहले कि कोनो और आ जाए। भाई आखिरी बंदे पे हमें शक हो रहा था कि ये कहीं रॉटवीलर ना हो, तो पता चल रहा है ये रॉटवीलर नहीं लैब्राडोर है। लबटा भम 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 ई का नाम है। खेल रहे हैं अंकुर बोरा जी के साथ और नाम रखे हैं चाइनीज कि कहीं कार्टून मुझे टकला ना करा दे। अरे तुम चिंता मत करो भाई, मैं सिर्फ अंडरटेकरों को टकला कर रहा हूँ। अब भाई देख रहे सामने बग्गी खड़ी है पर कोई बंदा नहीं दिख रहा है ड्रॉप के पास, कहाँ है सब? नी पहले आवे मुन्नी जे अभी अभी शीला, ला एक ग्लास में बोले थैंक यू देसी ने टकीला। भाई भाई ठाए ठुस, भाई भाई ठाए ठुस। ये भाई साहब हमारी गाड़ी के साथ लग रहा था पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। अब भाई बंदे बाहर दिख ही नहीं रहे थे, सब पता नहीं कहाँ थे, तब तक गोली चलाने की आवाज आती है। देख लो भाई साहब घर में बैठ के गुजिया बना रहे थे। आ गए भाई आ गए, डब्बा लेके आए हैं, सारा गुजिया तुम बनाए हो लेकिन लेके जाऊंगा हम। हंटर मस्ताना को गुम्मा मार मार के हमने भेज दिया पैखाना। अब भाई अचानक से गोलियों की आवाज आने लगती है, तब तक देख रहा है पूरी गाड़ी में लौंडे भर के आ रही इधर ही। अब भाई ये लोग तो एक बार भी पीछे मुड़ के देखे तक नहीं, ये हमको नेचर काल तो नहीं लेकिन वैलेंटाइन काल जरूर लग रहा था। हम कहे भैया RPG ले लो वरना कहीं हमको मार के पैक करा के ये लोग कहीं किसी को गिफ्ट ना कर दे। अब भाई ये लोग तो लग रहा था हमारा ही इंतजार कर रहे थे। हम कह रुको अभी इनको RPG देते हैं। लो बेटा भम आई डोकियाची आई बहन करुनो कोस। अब भाई एक RPG का तो मैंने डोलची और गबाना कर दिया। अब भाई बंदे खूब मौली उली फेंके इधर से उधर, हम भी छिपे उपे। अब भाई देख रहे बंदे कि हम RPG चला रहे लेकिन एक नंबर के महान। शिवम कान में शैम्पू उम्पू चला गया क्या तुम्हारे? अभी RPG चलाई है, आवाज नहीं आई थी क्या? अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी बहुत लड़ाई है। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आ जाओ भैया आ जाओ आ जाओ। भम 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 भाड़ भुड़ 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 भड़ाक। वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस, आई डोंट लाइक वॉयलेंस, पर क्या कहें ये खोटे द पुत्तर वॉयलेंस ई लाइक्स मी। अरे रस्ते से जा रहा था, बेल पूड़ी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। निकल पहली फुर्सत में निकल, अब तू भी निकलेगा। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? तो भाई वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, मिलते हैं कल संडे 12 बजे। बाय बाय।